रावण दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। रावण दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। महात्मा रावण दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रत्येक वर्ष हमारे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। दशहरे के यह महोत्सव भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों के दहन के रूप में रावण की बुराइयों का अंत किया जाता है। आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई थी, जिसके अनुसार भगवान राम द्वारा रावण का वध किया जाता है। भगवान राम द्वारा रावण के वध के दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार बहुत सालों से मनाया जा रहा है, लेकिन अब सिरसा शहर के कुछ युवाओं ने रावण दहन पर आपत्ति जताते हुए आज भारी संख्या में एकत्रित हो लघु सचिवालय में तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। युवाओं की मांग है कि दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाना चाहिए। वहीं मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स व जवान भी तैनात रहे। मेरा नाम अर्जुन पंडित है, ब्राह्मण समाज से हूँ। तो आज हमने DC साहब को और मुख्यमंत्री साहब को एक नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिसका विषय यह है कि दशहरे के महोत्सव पर जो महात्मा रावण जी के पुतले रामलीला मंचों द्वारा जलाए जाते हैं, उनको उस प्रथा को बंद किया जाए। और वो बंद इसलिए किया जाए क्योंकि समाज को और ब्राह्मण समाज को भी इस चीज़ से बहुत दिलों को उनके ठेस पहुँचती है, और यह प्रथा बिल्कुल बंद की जाए ताकि हमारे समाज को जो है दिलों को ठेस पहुँची है वो ना पहुँचे। समाज के कुछ तथ्य हैं जी, जो रामलीला क्लबों को चलाते हैं उनका ये मानना है कि वो जलाएंगे ही जलाएंगे। जैसे अभी हमने कल एक इंटरव्यू देखा था, शहर का ये कोई विष्णु क्लब है उसके नाम का, कि उन्होंने प्रतिमा तैयार करवाई है महात्मा रावण जी की, जिसमें रावण जी बोलते हुए नज़र आएंगे, जो पुतला रावण जी का बोलता हुआ नज़र आएगा। और उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि कुंभकर्ण जी का पुतला जो है उसकी नाड़ घूमेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन्हीं पैसों का वेस्टेज आप बचा करके उन्हें किसी मंदिर में लगाएं। आज तक भी पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड है भी किसी भी रामलीला क्लब के द्वारा दशहरे के दिन कोई लंगर या गरीबों में कोई दान या ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाएगी। वो इतने इतने पैसों के एक मिनट के अंदर राख कर देते हैं। और आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कलयुग में कोई राम है? जो छोटी छोटी बच्चियों के हमारे समाज में बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, और उन्हें इतनी बहरामी से मारा जा रहा है। असली रावण तो वो हैं, उनको जलाया जाए, वो बुरे रावण हैं, उनको जलाया जाए। अब आगे क्या स्टेप रहेगा? आगे अभी हमने ये ज्ञापन सौंपा है, इससे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आगे कार्रवाई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो उसके लिए हम और भी प्रयत्न करेंगे, शांतिपूर्वक प्रयत्न। मैं वीरेंद्र पहलवान सिरसा हरियाणा से, आज राष्ट्रपति महोदय और माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र दिया गया है। ज्ञापन पत्र के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार महात्मा रावण, वो एक महान पुरुष थे, उनका पुतला दहन किया जाता है दशहरे के समय, उस पर पूर्णतः सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि महात्मा रावण एक अपने आप में विद्वान थे, सभी आप उनकी गाथा से अवगत हो, आपको उनका पणपन जो हम बोलते कि सब ज्ञात है, अच्छे से पता है। आज एक बहन को रावण जैसा भाई चाहिए लेकिन राम जैसा पति नहीं चाहिए, ये एक कठोर सत्य है। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर आज वहाँ के CM साहब ने प्रदूषण मुक्त दिवाली घोषित कर दी, तो हम भी चाहते हैं कि इससे प्रदूषण का भी एक कंट्रोल होगा, प्रदूषण मुक्त हम दशहरा भी बना सकते हैं। और समाज आगे एकत्रित हुआ है, इस पर जो नाट्य रामलीला मंच होते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ कहूँगा, उनका मनोरंजन है केवल और कुछ भी नहीं है। अपने मनोरंजन के लिए वो हमारे महान पुरुष है, उनके हास्य चेहरे बनाते हैं, उन पर डायलॉग छपते हैं, जो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को उजागर करने का कार्य करती है। अतः निवेदन यही है कि सरकार तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई कर ले। इस जिस प्रकार दशहरा बनाते हैं, रामलीला मंच होते हैं, इन पर कठोर रूप से प्रतिबंध लगा दे, अन्यथा इसके लिए अगला कदम भी हम जरूर उठाएंगे।